लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के आगमन से पूर्व बागबेड़ा श्री शीतला मंदिर कमेटी के द्वारा लौकी का वितरण किया गया ताकि किसी भी व्रतधारी को छठ पूजा के दौरान परेशानी ना हो। शुक्रवार से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का शुभारंभ हो रहा है। व्रतधारी पहले दिन नहाय खाए के साथ अपने त्यौहार की शुरुआत करेंगे। नहाय खाए के दिन लौकी का प्रसाद बनता है। ऐसे में श्री शीतला मंदिर कमेटी के द्वारा व्रतधारियों के बीच लौकी का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक कन्हैया सिंह ने कहा कि 4 दिवसीय इस महापर्व में किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाता है। हर वर्ष की भांति 11 बजे शीतला मंदिर प्रांगण में हम लोग लौकी का वितरण करते हैं। कल आस्था के महापर्व का शुरुआत लौकी भात से होगा, जिसको हम लोग नहाए खाए कहते हैं। नहाए खाए के पर्व के लिए हम लोग व्रतियों को दिक्कत ना हो, व्रतियों को कहीं भटकना ना पड़े, व्रतियों को सुगम रूप से इस बस्ती के सभी लोगों को हम लोग मुफ्त में लौकी वितरण करते हैं। और हम लोग इस पर्व में आशा करते हैं कि हमारे बस्ती में हमारे लोगों को, इस बस्ती के साथ साथ पूरे राज्य के लोगों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ के आशीर्वाद से हम लोग स्वस्थ निरोग और ठीक ठाक रहें। परसों हम लोग इसी जगह पे पुनः कल सूप और फल का वितरण करेंगे, और ये हर वर्ष हम लोग कमेटी की तरफ से करते हैं। और हम लोग आपको भी धन्यवाद देते हैं कि इस पुण्य के काम में आपका भी सहयोग मिला, इसीलिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।